अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। नाउ लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टू का पेज नंबर 15, हमारा आज का टॉपिक है द लॉइन एंड द माउस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। वन डे अ माउस वेंट आउट टू फाइंड समथिंग टू ईट। एक दिन एक चूहा खाने की तलाश में बाहर निकला। He went carelessly through some tall trees. Tall grass. वो लापरवाही से लंबी ग्रास, tall means लंबी grass, घास को कहते हैं। वो लापरवाही से लंबी grass के ऊपर से भागता हुआ आया। He ran into a first line. First means सब। He ran into a first line. वो सब शेर के पास से भागा। द लॉइन और द माउस, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ही हेल्ड हिम टाइटली, उसने उसको सख्ती से दबाया। एंड वुड नॉट लेट हिम गो, और उसको जाने नहीं दिया। प्लीज लेट मी गो, मेहरबानी फरमा के मुझे जाने दो। मिस्टर लॉइन, उसने सुना करके उसको मुखातिब किया चूहे ने। सेड द माउस, चूहे ने कहा, वन डे आई विल हेल्प यू, एक दिन मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। द लॉइन लाफ, जो शेर था वो हंसा। हाउ कुड आई लिटिल माउस हेल्प अ बिग लॉइन, कि कैसे पॉसिबल है कि कोई एक चूहा शेर की मदद करे, बिग लॉइन बड़े शेर की। ही थॉट, उसने सोचा, वेरी वेल, चलो ठीक है। ही सेड, उसने कहा, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। बट यू मस्ट वॉक मोर केयरफुली, लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा। द माउस वॉज वेरी ग्रेटफुल, जो चूहा था बहुत खुश हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ही सेड, उसने कहा, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत मेहरबान हो। द नेक्स्ट वीक द माउस वॉज अगेन लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। अगले हफ्ते दोबारा चूहा खुराक की तलाश में के लिए लुकिंग देख रहा था, फॉर समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। ही सॉ द लायन, उसने शेर को देखा। अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे। ही वॉज टाइड टाइटली इन अ नेट ऑफ स्ट्रॉन्ग रॉक्स, उसे मजबूत रस्सी के जाल में मजबूती से बांधा गया था। ही कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकता था। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था, जो जो वर्ड्स मैं हाईलाइट करूँ उसको आपने लाजमन अंडरलाइन करते जाना अपनी बुक्स में, ताकि आप उसको एज अ डिक्टेशन वर्ड लर्न करें और जुबानी लिखें। आप अभी ये देखें, जैसे माउस केयरलेसली, फर्स टाइटली, केयरफुली, समथिंग टाइटली, रॉप्स, या काइंडली आपने इसको एज अ डिक्टेशन वर्ड लर्न करना है। ओके, नाउ हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आई विल हेल्प यू, सेड द माउस, चूहे ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। He picked one of rocks. उसने रस्सियों में से एक रस्सी को तोड़ा। His teeth were sharp. उसके जो दांत थे बहुत तेज थे। Then he picked through another rock. फिर उसने दूसरी रस्सी को कुतरा। And then another. और फिर दूसरी। Soon the line was free. जल्द ही शेर था आज़ाद हो गया। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह वो जाल में फंसा हुआ नेट में, और वो देखिए माउस जो है वो किस तरह पूरे रस्सियों को काट रहा है। इस माउस के काटने को कुतरना भी कहते हैं बेटा। अब ये देखिए किस तरह उसने वो काट रहा है रस्सियों को। द लाइन वॉज फ्री, शेर आज़ाद हो गया। ही वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत उसकी मेहरबान हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ही सेड, उसने कहा, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी स्टूडेंट, ये कुछ और वर्ड्स भी हैं, इनको भी आपने लर्न करना है एज ए डिक्टेशन वर्ड, जस्ट लाइक टीथ, शार्प, अनदर, प्लीज। ओके स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मिसिंग वर्ड्स, इनमें जो वर्ड्स हिडन है वो आपने लिखने हैं। मिसिंग वर्ड जो वर्ड नहीं है। अ माउस वॉज लुकिंग फॉर डैश टू ईट, अ माउस चूहा ढूंढ रहा था फॉर कुछ, डैश टू ईट, समथिंग टू ईट, क्या ना बेटा, समथिंग टू ईट। ही रैन इनटू अ डैश लाइन, ही रैन इनटू अ फर्स्ट लाइन। द लॉइन डैश नॉट लेट द माउस गो, द लॉइन कॉट हिम एंड नॉट लेट
लेट द माउस गो। शेर ने उसको पकड़ लिया था और उसे जाने नहीं दे रहा था, माउस को जाने नहीं दे रहा था। द माउस से चूहे ने कहा, वन डे आई विल डैश यू, क्या करूँगा मैं तुम्हारी मदद, हेल्प यू। वो लाइन लेट द माउस डैश, शेर ने चूहे को जाने दिया, गो। द डैश वीक द माउस फॉर द लाइन, नेक्स्ट वीक या प्रीवियस वीक, ये स्टूडेंट नेक्स्ट वीक। द लाइन वॉज इन अ डैश मेड ऑफ डैश, क्या था, द लाइन वॉज इन अ नेट मेड ऑफ रॉक्स। द माउस डैश थ्रू द रॉक्स टू लेट द लाइन डैश, द माउस बिट थ्रू द रॉक्स टू लेट द लाइन गो। बिट मीन्स काटना, थ्रू द रॉक्स टू लेट द लाइन गो, ताकि लाइन जो है वो चला जाए। द लाइन सेड, शेर ने कहा, डैश यू वेरी मच, क्या, थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड है, वीन से वट दीज थिंग्स आर फॉर, ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जी स्टूडेंट्स, हमने आपको याद होगा पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एज अ वीन है, ये देखिए, जैसे कि जस्ट लाइक अ मिल्क बॉटल, बॉटल ऑफ मिल्क किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इट इज़ फॉर मिल्क। जी स्टूडेंट, सेकेंड है, एंड इंक बॉटल, तो इंक बॉटल किसके लिए यूज़ होती है, इट इज़ फॉर इंक, ये इंक के लिए इस्तेमाल की जाती है, इट इज़ फॉर इंक। नेक्स्ट है अ की, एक चाबी, इट इज़ फॉर ओपनिंग डोर्स, ये दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अ हैमर, एक हथौड़ी, इट इज़ फॉर हिटिंग थिंग्स, ये चीज़ों पर जर्ब लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अ रूलर, एक रूलर, इट इज़ फॉर मेजरिंग, ये नापने के लिए इस्तेमाल होती है। अ सॉ, एक आरी, सॉ किसके लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ फॉर कटिंग वुड, ये लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अ नाइफ, एक छुरी, इट इज़ फॉर कटिंग थिंग्स, ये चीज़ें काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है और अपनी कॉपीज पे राइट करना है।